होश में आओ, होश में आके काम करो। एमएलए साहब होश में आओ, होश में आके काम करो। एमएलए साहब होश में आओ, होश में आके काम करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। टक्के वाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। रिश्वत खोरी बंद करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म करो, काम करो, काम करो। मुफ्ती साहब काम करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। रिश्वत खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग पूछना चाहते हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि मालेगांव शहर के अर्दिल अजीज एमएलए जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मालेगांव शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दावा करते हैं कि मैंने 365 दिन में 366 करोड़ का काम मालेगांव शहर में मंजूर कर चुका हूं और 100 करोड़ का काम का वो बैनर लगाते हैं और बैनर लगाने के बाद पिछले साल लगभग सुलेमानी मस्जिद के पास वहां से इन्होंने दावा किया उस प्रोग्राम में, वो इब्तदाई प्रोग्राम में, वो संघ बुनियाद प्रोग्राम में, वो गार्डन के प्रोग्राम में हमारे शहर के प्रशासक कमिश्नर साहब भी मौजूद थे और हमारे शहर के अर्दिल अजीज एमएलए जनाब मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने उनका जो वजन था लगभग 70 से 80 किलो, शायद 90 किलो, ऐसा मैं चूक कर रहा लेकिन 90 किलो है, शायद 90 किलो वजन के उनको हरे लड्डू में तोला गया और पूरे इस इलाके की आवाम को उस तोले हुए लड्डू से पूरी आवाम में बांटा गया। अब वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मैं ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता कि वो सदके का माल था क्या, उतारा हुआ लड्डू था वो आप जाने, लेकिन उनको लड्डू में तोल कर वो लड्डू आवाम में तकसीम किया गया। बात मुद्दे की यह है कि एक साल का लगभग वो उद्घाटन को हो चुका, वो संघ बुनियाद को हो चुका, लेकिन एक साल के अंदर अभी तक सुलेमानी चौक से लेकर जो रोड का दावा किया दरगाह तक रोड का काम शुरू नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? मैं हकाली राजी की क्यादत में आप लोगों से, हम लोग पूछने आए हैं तो आप से हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं कि हम किसके खिलाफ में नहीं है और ना आप किसी के खिलाफ में बोलिए, सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पर जो आवाम को तकलीफ है, आपने यहाँ पर अगर कोई टू व्हीलर वाला गिरा होगा तो वो बताइए, अगर जनाजा इधर से कब्रस्तान की रोड से जनाजा अगर जाता है, मैयत जाती है, तो जनाजे में शरीक होने वाले आवाम, हमारे इमाम साहब, बच्चे, उलमा, बुजुर्ग जो भी गुजरते, वो कैसे हालात उनके ऊपर गुजरते, आप हमें, हमारे यहाँ पर मीडिया भी है, यूट्यूबर भी है, पत्रकार भी है, सभी लोग हैं, आप उन्हें बताइए, क्योंकि हम बता रहे हैं तो हमारे शहर के एमएलए साहब ऐसा कह रहे हैं कि इनके पेट में मरोड़ हो रहा है, ये अपोजिशन कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पूरे शहर में मैंने कांच की रोड बना चुका, 466 करोड़ रुपए का काम कर चुका, लेकिन अपोजिशन बिना वजह मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है, इसलिए बहालत है मजबूरी हमको आवाम के सामने। मैंने यहाँ का दौरा करवाया, कई बार उद्घाटन किया, जहाँ तक की मेरी मालूमात है 2 या 3 साल से हमारे शहर के एमएलए तो बोलते हैं रोड मैंने पास करवाया, पास करवाया, पास करवाया। अब आप लोग बताइए और आप लोग सोचो कि 2 या 3 साल से ये हर वक्त यही बोल रहे हैं कि रोड मैंने पास कराया, तो फिर ये रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मिस्टर 20% का इनको नाम दिया गया था, इनको
कमीशन नहीं मिल रहा ठेकेदार की तरफ से, या कमिश्नर ठेकेदारी मांग रहा होगा, कमीशन मांग रहा होगा, या वो काम ही नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि आज से कई साल पहले शहर में नारा सुनता था कि तुम कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं यही सोच समझ कर वो लोग सोच रहे होंगे कि पूरी आवाम पूरी पब्लिक मेरे साथ है, मुझे रोड बनाने की क्या जरूरत है, तू रोड बनाना चाहिए। रही बात ये रोड के ताल्लुक से, हजरत ने आज से 17 साल पहले इसराइल शासक का नारा देकर सियासत में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मालेगांव शहर में काजू बादाम बिकते हैं। आज मैं हजरत से पूछना चाहता हूँ, यहाँ काजू बादाम से ज्यादा पूरा शहर घर और तालाब में तब्दील हो गया है, बड़े बड़े डांगर बिक रहे, ये सब्जी होती है ये तो खाने में इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े डांगर बिक रहे हैं और बड़े बड़े तालाब बिक रहे हैं। शहर अब आपके जो लोग है, जो आपका प्रेमी बच्चा मेरी बेटा था, उसने ये भी कहा गया था कि हम अच्छी रोड बनाएंगे क्वालिटी बनाएंगे, तो कहा गई वो रोड, कहा गया वो आपका वादा। मेरे ऐसी मालूमत है कि हजरत को कमीशन नहीं मिल रहा है। हजरत अभी फिलहाल बुनकर जो सर्कल था ना उसका पूरा 30 लाख रुपए हड़प कर गए। हजरत ने अभी एक जगह बयान किया कि मेरा 12 से 15 करोड़ रुपया लेना बाकी है और शायद वो मिलेगा नहीं। आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा पैसा मिलेगा नहीं, वही शख्स बोल सकता है जो सुन का मन शैतान का था। इन्हें सुन में जो कारनामे करे अल्लाह ताला इनके ही जरिए इनके अल्फाज में आवाम के सामने ला रहा है, अब आवाम को जागरूक होना है। और यहाँ के जो लोग है जो कब्रिस्तान या हमारे इबादत कहाँ है, यहाँ मरने के बाद दफन किया जाता है, इन सबों में महफूज नहीं है। यहाँ पर लोग जनाजा लेते हुए झूठ जा रहे हैं, डर रहे हो, गुटमत में पानी रहता है। शर्म आना चाहिए शहर के आमदार को जो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे शहर के कब्रिस्तान के रोड है, जहाँ पर मस्जिद मीनारों का शहर है, जहाँ पर एक आलिम दीन है आमदार, ये उसका काम जो 5 वक्त तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा रहे। मेरे जैसा आदमी, मैं जुमा जुमा जाता हूँ तो मैं शायद भूल जाता था ये काम, कभी मैं शहर का आमदार रहता। दोस्तों आज ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है कि कोई जाहिल होता, कोई अनपढ़ होता, वो ये काम भूल जाता। आज बात सोचने वाली बात है क्या हिंदुस्तान भर में जिसका नाम है उसका कहीं तक के उस कब्रिस्तान में कोई काम नहीं है। आज कई बार मैंने देखा हूँ कि लोग मैयत में पाइचे उठा के जनाजे की खांदा दे रहे। आप लोगों ने देखे होंगे, चाचा देखे कि नहीं देखे, सही बोलो। कई लोगों ने, कई यहाँ पर ड्रामे भी हुए, खाली जनाजा रख के कई लोगों ने यह तकरीरें की, क्योंकि ये तकलीफ थी, ये कि नहीं किया चाचा, सही बोलो। कई बेचारे मैयत लेके, कई बड़ी बड़ी खानदान के लोग आते हैं यहाँ पर मैयत लेके, और चलने के लिए रास्ता नहीं, वो नापाक हो जाते हैं गंदे पानी से कि हम आ गए, मट्टी देना के नहीं देना, जनाजे की नमाज पढ़ाना के नहीं पढ़ाना, ये हालात है ये रोड के। कई लोग बेचारे जाके अंदर नमाज नहीं पढ़ते जनाजे की, अल्लाह बेहतर जानता, मैं खुद देखा हूँ कई बड़ी मैयत चल जाए और पानी गिर जाए तो कई लोग कहना ये गंदे पानी से नापाक हो जाते। ये हालात बड़े कब्रिस्तान के आज 5 साल मैंने कुछ दिन पहले आशानगर कब्रिस्तान के बारे में मैंने आवाज उठाया, दीवार को लग के 60 फुट कर और 30 फुट में बनाए और कब्रिस्तान के पास 12 फुट छोड़ दिया, सामने स्कूल पूरी कब्रों में पानी जा रहा। मैंने कई बार बोला ये काम क्लियर करके दे दो, ये कब्रिस्तान का काम है, कोई गलत आदमी काम करे तो हम उसको बोले, और आमदार के फंड से काम हुआ और वहां पर भी 15 फुट कब्रिस्तान के पास पूरा काम करके दिए। आप लोग जाके आशानगर कब्रिस्तान का भी देखो, ये कब्रिस्तान की हालत देखो, आज यहाँ पर कितना बड़ा मामला है, दिन से जुड़ने वाला मामला है। आज कई लोग जाके वहां पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते, कई लोग जनाजे के अंदर शामिल नहीं हो पाते, क्यों नापाक हो जाते। ये कब काम होगा चच्चा, बोलो तो जरा, ये काम कब होने को ना, आज की तारीख में इसको चालू करना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं, शेख आसिफ साहब ने यहाँ पर कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब को लेके, 4-5 दिन पहले की बात है, यहाँ पर कमिश्नर साहब को लेके विजिट करवाए, ये पूरा काम शहर का ब्लॉक करवा दो, सबसे पहले ये काम करो, ये जरूरत का काम है। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान भर में मिसाल जाती, बाहर गांव के लोग मैयत में आते हो सोचते हैं ये मालेगांव की रोड है, इसके मैयत में बाहर गांव के लोग आते हो तो क्या सोचते होंगे, मालेगांव का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा कब्रिस्तान है और वहां पर रोड भी नहीं, कब्रिस्तान के पास मस्जिद मीनारों का शहर है। तो मैं आज अपील और गुजारिश कर रहा हूँ हमारे साहब एमएलए साहब से मैं, पूरे गांव में आपके कितने काम होंगे सब ब्लॉक करा दो, पहले बड़े कब्रिस्तान का काम करा दो। अल्लाह के वास्ते मैं इतनी बात और इतनी अपील कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।